हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वागत है। तो आज मैं रूट फाइव को सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो देखिए, रूट फाइव जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें अपरिमेय मतलब सिद्ध करना है। तो हमें पहले मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या है, तो लिख लेते हैं माना। देखिए, माना रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है। तो जो रूट फाइव होगा हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है। तो लिख लेते हैं रूट फाइव बराबर पी अपॉन क्यू, ये हो गया ठीक। जहां अब देखिए, जहां पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या, मतलब सह अभाज्य संख्या मतलब होता है, पी और क्यू है, पी क्यू मान लीजिए कोई संख्या हमारी थ्री और फाइव, ये है। तो ये हमारा सिर्फ एक से कटेगा, एक से तीन कटेगा और एक से फाइव भी कटेगा, मगर तीन जो हमारा तीन से कट जाएगा मगर फाइव नहीं कटेगा। तो मतलब दोनों संख्या एक नंबर से कटे, तो ये वन से कटेगा, टू से नहीं कट, टू से कट जो कट गया तो हमारा ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये हमारा देखिए सह अभाज्य संख्या है, सिर्फ वन से कट रहा है। तो हमें इसी तरह इसमें प्रूव करना है, दिखाना है कि सह अभाज्य संख्या है कि नहीं, और जो होगी तो देखिए देखिए अब हम दिखा रहे हैं प्रूव करके। तो कैसे प्रूव करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, अब देखिए रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे बराबर पी का स्क्वायर करेंगे और क्यों का स्क्वायर करें, तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। और इधर हमारा स्क्वायर लगाए तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा हमारा फाइव, और इधर हमारा बचेगा पी का स्क्वायर क्यों का स्क्वायर, ये हो गया ठीक। अब देखिए फाइव क्यों ये इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा इधर, और बचा हमारा पी इधर ठीक, और क्यों स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, ये हमारा डिवाइड में जाएगा फाइव, ये हो गया। आप देखिए जो हमारा पी स्क्वायर है फाइव से डिवाइड हो रहा है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जो हमारा पी है मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए हमारा फाइव है, फाइव है तो फाइव हमारा फाइव से तो कट ही जाएगा, और फाइव का स्क्वायर कर दे तो पच्चीस, तो पच्चीस हमारा वो भी फाइव से कट जाएगा। तो यही इसका मतलब है, ये हो गया ठीक। आप देखिए इसको हम समीकरण का नाम दे देंगे, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया ठीक। आप देखिए अब सेकेंड समीकरण को हम दिखाना करना पड़ेगा। तो सेकेंड में क्या है, जो हमारा देखिए पी स्क्वायर जो है इसको तुम दिखा दे फाइव से विभाजित है, इसी तरह में क्यू को दिखाना है, क्यू को दिखा देंगे तो हमारी जो माना है यहाँ पे परिमेय संख्या सह अभाज्य संख्या वो गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे पी को दिखा दिया, अब क्यू को दिखाने के लिए पी को और कुछ मानना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं माना P बराबर फाइव एम है, एम मान लिया ठीक, तो P की जगह पे फाइव एम रखेंगे, तो ये हमारा यहाँ से इक्वेशन ये उतार लेंगे ठीक, ये वाली। तो Q का स्क्वायर बराबर P की जगह पे रखना है फाइव एम, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, और ये हमारा फाइव हो गया। अब स्क्वायर करेंगे इसका तो हमारा पच्चीस एम स्क्वायर बटे फाइव हो जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा बचेगा फाइव, और क्यू स्क्वायर ये हमारे फाइव बचा है डिवाइड में आ जाएगा इधर बराबर इधर हमारा बचेगा एम, इससे इधर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये दिखाना था क्यों जो स्क्वायर है फाइव से भी विभाजित है। तो ये हमारा आप देखिए क्यू स्क्वायर विभाजित है, और ये हमारा क्यों भी विभाजित है पाँच से, और इधर हमारा पी भी विभाजित है पाँच से, पी और क्यू दोनों विभाजित हैं ठीक। ये हमारा सेकंड समीकरण है, इसको दे देते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला हमारा फर्स्ट और सेकंड समीकरण से, फाइव ए पी और क्यू दोनों पांच से विभाजित हैं, और हमने माना था सह अभाज्य संख्या मतलब कि वन से विभाजित होगा और किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा, मगर ये इसमें हमने प्रूव किया है पांच से विभाजित है, तो जो हमारी कल्पना है वो गलत है। तो इसी इसको हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, मतलब रूट फाइव जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत हो गई, यही नीचे लिखना है हमें। तो इधर लिख दे रहे हैं, देखिए इधर संख्या देखिए अब ये लिख दिया हमें,
फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, अतः हमारी कल्पना गलत है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग।